वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है, दो तरह की विरासतों की लड़ाई है। जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बांटती हैं। हमारी जड़ों से इनको नफरत है क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। जिन्हें सुन सुनकर हम बोलना सीखे हों, उनके सामने बोलने में बड़ा घबराहट होती है। आज मुझे ये अवसर मिला कि जिन सोनिया गांधी जी को हम सुन सुनकर प्रेरित होते थे, आज उनके आशीर्वाद से मैं 85वें महाधिवेशन में बोल रहा हूं। वक्त ऐसा आया है इस देश में, अभी कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब जब बोलते हैं उनकी वाणी में चूल्हे की महक होती है, मिट्टी की खुशबू होती है, और जब राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो दिल्ली से नागपुर तक नेहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी नेता। उन्हें समझ ही नहीं आता हुआ क्या, अब जवाब क्या देंगे। सोनिया जी से हम सीखे हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सौम्यता से कोई समझौता नहीं होता है, कोई मूल्यों से कोई समझौता नहीं होता है, ये हम सोनिया जी से सीखें। राहुल जी, आप में महात्मा गांधी की सरलता और नेहरू की गहराई है, आपसे ये क्या मुकाबला कर पाएंगे। दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है, दो तरह की विरासतों की लड़ाई है। दिस इज अ बैटल नॉट जस्ट ऑफ टू आइडियोलॉजीज, दिस इज अ बैटल ऑफ टू लेगेसीज। मैं आपसे कह रहा था कि ये दो विरासतों की लड़ाई है। जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बांटती हैं। हमारी जड़ों से इनको नफरत है क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। हमें इनकी शाखाओं से नफरत नहीं है, लेकिन जो इनकी शाखाएं बांटने का काम करती हैं उसी को रोकने के लिए राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर पैदल चले। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल चलने की, लोगों से मिलने की, इतना संघर्ष करने की। मुझे मीडिया के साथियों पर भी, उनको देखता हूं तो बड़ा बुरा लगता है, दर्द होता है मन में। आज इनकी आवाज भी बंद कर दी गई है, हम तो फिर भी बोल लेते हैं विपक्ष में रहकर, हम तो बोलते रहेंगे। हाँ, कभी कभी हवाई जहाज से हमें उतार दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, 2014 से पहले ये हम पर खुलकर हमला बोलते थे और इनका हक था, बोलना चाहिए था इनको, इनका कर्तव्य था, ये बोलते थे। आज ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार से पूछना तो छोड़ दीजिए, ये हमसे ही सवाल पूछते हैं। चलिए, आपका स्वागत है, आप हमसे सवाल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल प्रेस वार्ता कर रहा था, मुझसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी दाढ़ी कब हटाएंगे। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है। जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। हम देख रहे थे आप कैसे करोड़ों लोगों से मिलते थे, उनका दर्द सुनते थे, उनका दुख बांटते थे। बार बार घंटी बज रही है, लेकिन यह बात जरूरी है कि यह जो लड़ाई है, मध्यवाद की लड़ाई, लेफ्ट और राइट दोनों से होती आई है। जो सेंट्रिज्म है, सेंट्रिज्म दोनों का सम्मिश्रण है, लेफ्ट का भी और राइट का भी। यह देश मध्यवादी देश है, कांग्रेस पार्टी मध्यवादी पार्टी है,
इस देश का संवैधानिक मूल्य जो है, जो ढांचा है, वो भी मध्यवादी है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है कि हम लेफ्ट के खिलाफ हैं या राइट के खिलाफ हैं। हम एक्सट्रीम लेफ्ट के खिलाफ हैं, हम एक्सट्रीम राइट के खिलाफ। तीसरी बार घंटी बजी है और रणदीप जी बार बार मुझे आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और तो क्या होगा, एक दो बार और हवाई जहाज से उतार देंगे, हम उतर जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे, आपकी आवाज उठाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मेरा नेता राहुल गांधी, मेरी नेता प्रियंका गांधी, मुझे आज तक वो डरते हुए नहीं दिखे, तो हम क्यों डरें? हम भी नहीं डरेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।